नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 का 26वां मैच यानी कि 26th मैच खेला जाएगा 30 अक्टूबर को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई के मैदान में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कड़ा और रोमांचक मुकाबला आप सबको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस मुकाबले का पूरा कंप्लीट मैच प्रीव्यू, जहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकाबले में दुबई का वेदर कैसा रहने वाला है, वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले में दुबई की पिच कैसा बर्ताव कर सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। इसके अलावा दोस्तों, इस मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती हैं, और वीडियो के अंत में मैं अपने इस मुकाबले की विन प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो दोस्तों, ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको T20 वर्ल्ड कप, इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दुबई की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, दुबई का वेदर इस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो वेदर रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि रात का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसका मतलब दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा गर्मी आपको देखने को नहीं मिलेगी जैसे हमको पिछले मैचों में देखने को मिली है। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू प्रीवियस मैचेस। 45% ह्यूमिडिटी की यहाँ पर फोरकास्ट किया गया है। तो ओवरऑल जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बारिश की आशंका बिल्कुल भी नहीं है और हमें पूरा मैच देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दुबई के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस T20 वर्ल्ड कप 2021 के मैचों में देखा है कि जितने भी मुकाबले इस दुबई के मैदान पर हुए हैं, वहां पर चेजिंग साइड को इस पिच ने बहुत ज़्यादा फेवर किया है, क्योंकि दोस्तों दूसरी पारी में दुबई के मैदान में काफ़ी ज़्यादा ओस आ जाती है। इस वजह से सेकेंड इनिंग्स में जो टीम बल्लेबाजी करती है उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है बल्लेबाजी करने में, और गेंदबाजी टीम को उतना ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गीली गेंद से वो ग्रिप नहीं होती है और यहाँ पर गेंदबाजों की लाइन लेंथ को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी ही करेगा, जैसा कि अभी तक वो इस मैदान पे जितने भी मैचेस हुए हैं वहां पर आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो शुरुआत के 6 यानी कि पावर प्ले ओवर्स में बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गेंद स्विंग भी होती है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की गेंद यहां पर काफी ज्यादा स्विंग होती है। तो यहां पर इसलिए पहले 6 ओवर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम यहां के इस मैदान के रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो दुबई के मैदान पर 66 T20 इंटरनेशनल मैचेस अभी तक खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने टीम ने 34 मैचेस जीते हैं, जबकि चेजिंग साइड ने 31 मैचेस जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर की बात की जाए तो 143 है। इसके अलावा दोस्तों, एवरेज सेकंड इनिंग्स स्कोर की बात करें तो 123 है। तो आपको ये जो एवरेज स्कोर्स है वो यही दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं वहाँ पर हमने देखा है कि एक बार भी टीम 160 रन का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस नहीं कर पाई है। 150, 155 के आसपास ही यहाँ पे स्कोर देखने को मिल रहे हैं। तो इस मुकाबले में भी दोस्तों मुझे लगता है कि आपको कुछ इस प्रकार का स्कोर देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये 150 या 155 के आसपास ही पहली इनिंग्स में स्कोर बनेगा। लेकिन जो ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, और हम T20 वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि जो टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है वही वो मैच रही है। तो मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भी ऐसा ही होने वाला है, और जो टीम टॉस जीतेगी उसके पास मैच जीतने का भी एडवांटेज रहने वाला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो अपना पिछला मुकाबला श्रीलंका के अगेंस्ट जीता था और उसमें जो प्लेइंग 11 खेली थी, वही सेम प्लेइंग 11 आपको इस मुकाबले में भी खेलते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने T20 वर्ल्ड कप 2021 के दोनों मुकाबले जीते हैं और इसी सेम प्लेइंग 11 के साथ जीते हैं। तो विनिंग मोमेंटम जो है वो इनके साथ है, और यहाँ पे प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव करेगी। तो दोस्तों, आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं डेविड वार्नर के साथ कप्तान एरन फिंच, नंबर 3 पर आ सकते हैं मिचेल मार्श, नंबर 4 पर स्टीवन स्मिथ, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस, विकेट कीपर नंबर 7 पर मैथ्यू वेट, नंबर 8 पर पैट कमिंस, नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पर एडम जैम्पा और नंबर 11 पर जॉश हेजलवुड खेल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करें इंग्लैंड टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने भी अपने T20 वर्ल्ड कप 2021 के दोनों मैचेस जो हैं वो डोमिनेटिंग अंदाज में जीते हैं, और शानदार परफॉर्मेंस यहां पर हमको इंग्लैंड के गेंदबाजों से भी देखने को मिली है। बल्लेबाजी ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन दोस्तों उनको अभी ज़्यादा मौका नहीं मिला है, इसलिए उस पर ज़्यादा हम रेट भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस हमें इंग्लैंड की टीम की तरफ से देखने को मिली है, इसलिए जो इनकी प्लेइंग 11 है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड लग रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये भी अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेंगे। तो दोस्तों, आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में वही सेम नजर आ सकती है जो कि पिछला मुकाबला खेली थी। तो आपको इनकी प्लेइंग 11 में ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं जेसन रॉय के साथ विकेट कीपर जॉस बटलर, नंबर 3 पर आ सकते हैं डेविड मलान, नंबर 4 पर जॉनी बेस्टो, नंबर 5 पर कैप्टन ओयन मॉर्गन, नंबर 6 पर लियाम लिविंगस्टन, नंबर 7 पर मुइन अली, नंबर 8 पर क्रिस वोक्स, नंबर 9 पर क्रिस जॉर्डन, नंबर 10 पर आदिल रशीद और नंबर 11 पर टाइमल मिल्स खेल सकते हैं।
तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की ही प्लेइंग 11 दोनों टीमों की तरफ से नजर आ सकती है, जहां पर दोनों टीमों की तरफ से अनचेंज प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, कि मुझे क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। तो दोस्तों इस मुकाबले की विन प्रेडिक्शन देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होगा और क्लोज होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं। दोनों ने अपने T20 वर्ल्ड कप 2021 के दोनों मुकाबले शानदार अंदाज में जीते हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक टीम को एज दें तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्टैट्स से कंपेयर करें तो ओवरऑल अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें इन दोनों टीमों के बीच, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक T20 इंटरनेशनल्स में 20 बार आमना सामना हुआ है, जहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 10 मुकाबले जीते हैं, वहीं पर इंग्लैंड की टीम 8 मुकाबले जीत पाई है। इसके अलावा 2 मैचेस 9 रिजल्ट पे खत्म हुए हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मुकाबला जो है वो काफ़ी कांटे का नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम हल्का सा आगे है इंग्लैंड से। इसके अलावा अगर हम T20 वर्ल्ड कप्स में देखें तो यहाँ पे इन दोनों टीमों का सामना सिर्फ 2 बार हुआ है, जहां पर मामला बराबरी का है। एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैच जीता, जबकि एक बार इंग्लैंड ने जीता है। तो आप हर तरीके से देख सकते हैं कि जो मामला है वो 50-50 नजर आ रहा है। कोई भी टीम किसी पे भी भारी पड़ सकती है, लेकिन दोस्तों अगर अभी हम करंट फॉर्म देखें तो इंग्लैंड की टीम ने अपने 2 मुकाबले जिस शानदार अंदाज में जीते हैं, डोमिनेटिंग अंदाज में जीते हैं मैं कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने सामने वाले ऑपोजिशन को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि वो मैच में वापसी कर पाए। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो उन्होंने पहले मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उनकी बल्लेबाजी जो 126 रन उनको चेस करने थे तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल सामना करना पड़ा था। हालांकि अपने सेकंड मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने एक तरफा वन साइडेड जीत दर्ज करी थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा एज इंग्लैंड की तरफ दे सकता हूं। 55-45% जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो इंग्लैंड की तरफ जा रही है, पर दोस्तों ये मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा कांटे का होगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि यहाँ से किसी को भी प्रेडिक्ट करना विनर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन दोस्तों अभी जिस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड ने, इसलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा यहाँ पे एज हासिल करती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और इसलिए दोस्तों इस मुकाबले की मेरी विन प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड की टीम ही यह मुकाबला जीतने वाली है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मेरे अपने विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाएगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर T20 वर्ल्ड कप इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार मिलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।